ये देखो बंदर से फाइटिंग भाई, अल्लाह यार कुंग फू भाई हमको तो पता नहीं, लेकिन अब तो भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और यहीं पे नहानी है अपने को, ये देखो पानी भी ठंडी है ज्यादा। जय श्री राम भाई, कैसे हो सारे लोग? आई होप अब बढ़िया होगे आप लोग, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि अपन लोग पहुंचे थे शाम, सुबह में ही पहुंच गए थे 9 बजे, थोड़ा बहुत रेस्ट कर ली और अभी अपन लोग फिर से निकलने हैं, लाइक निकले स्नान के लिए। तो अभी अपन लोग इधर का व्यू देखो ना, काफ़ी मस्त है, सारा पूजा पाठ का सामान बिक रहा है। और फिर मैं और मंटू जा रहे हैं और उधर से और भी पीछे लोग आ रहे हैं। तो भाई मतलब ठंड इतना है ना, मेरे को लगा था ना कुहा सब जो फॉग है ना वो सही हो जाएगा, लेकिन ये फॉग तो इधर बहुत सारा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो बस अभी अपन लोग आगे जा रहे हैं और नहाने का कहाँ पर होगा, घाट कहाँ पर है ना वो देखते हैं, जहाँ पर अच्छा घाट मिलेगा वहाँ पर नहाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। ये देखो बंदर यार, ओ भाई किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ये देख रहे हो। और ये देखो इधर का कुछ माहौल कुछ ऐसा है, लाइक अभी फॉग देख रहा है, पूरा फॉग ही फॉग है भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर भी इतना फॉग, और सारा कुछ ठंड के कारण तो ऐसा ही है। और देखो अभी अपन लोग इधर की तरफ ही जा रहे हैं, घाट की तरफ भाई, मतलब आज उतना भीड़ नहीं क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है ना। बट हाँ पार्किंग कार तो बहुत सारी थी यार, लेकिन भीड़ काफ़ी कम है। ये देखो ये घाट का एंट्री है, यहाँ से एंट्री मिलता है। ओ भाई साहब इधर देखो, पिछला बार एक बार और आए थे ना, उस टाइम अपन लोग शायद वीडियो नहीं बनाए थे भाई। ये देखो घाट इधर है, ऐसे अपने को चैन पकड़ के नहाना होगा। बट यहाँ नहीं, एक और उधर घाट है ना जहाँ पे मैं नहाते सारे लोग, वहाँ पे जाना है। देखो कितना तेज पानी बह रहा है, बहाव देख रहे हो। तो भाई अभी अपने को उधर जानी है, उस तरफ घाट के पास जानी है भाई, पानी का बहाव देख रहे हो, सारे लोग नहा भी रहे हैं। अच्छा यार मस्त लग रहा है। हाँ अरे पानी बहुत साफ होता है भाई, इतना साफ ना देख लो यार कितना साफ पानी है। हाँ मोबाइल ना गिरेगा, वैसे भी गंगा मैया का कृपा है हम पे। मंटू में ठंडा नहीं लग रहा, कौन में ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा ठंड है यार, लग रहा है ना हाथ एकदम निकल गया मेरा। बट क्या ही कर सकते हैं यार, आप लोग लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ये देखो बहुत सारा कुछ इधर बिकेगा अभी, कॉफी, बट अपन लोग कॉफी लेके आए थे। ओहो उस तरफ नहाने वाला एक था हम लोग का, एक बारी नहाए थे ना पिछला बार, उधर से और आगे जाके, उधर से आगे जाएंगे इस ब्रिज से उस तरफ जाएंगे फिर नहाएंगे मस्त वाला। भाई क्या क्या चीज है यार देख रहे हो, पिछला बार ना अपन लोग उधर कार पार्किंग किए तो उधर एकदम भाई बहुत ज्यादा ठंड है यार, पता नहीं पानी किधर से आता है भाई, बहुत ज्यादा ठंड है। पिछला बार हम लोग पता है पार्किंग उधर किए थे, बहुत दूर में कार उस तरफ ही एकदम किए थे। ओ भाई भाई ये देखो गांव माता, ये देखो बंदर से फाइटिंग भाई, अल्लाह यार कुंग फू भाई, कुंग फू चल रहा है बंदर से, कुंग फू असल भाई, देखने दो यार ये देखो ये भाई ये किधर लटके हुए, ओ माय गॉड यार मस्त है बंदा, मोबाइल छीनियो मत, चलो भाई कुंग फू कर रहा था वो तो। हाँ शिवलिंग यहाँ पे, वैसे ही अभी उधर अपन लोग पहले कुछ काम से जाएंगे, हमको तो पता नहीं, लेकिन अब तो भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और यहीं पे नहानी है अपने को, ये देखो पानी भी ठंडी है, ज्यादा ठंडी नहीं है बट है थोड़ा बहुत ठंडी, वहां तक देखो पांव रखने का है, बट चैन पकड़ के ही जाना है भाई, ऐसे मत जाइयो उधर जाना होगा तो। बट मेरे ख्याल से उधर ज्यादा मत जाइयो, वही सही होगा क्योंकि धारा काफी तेज है भाई, मतलब क्या ही बोले यार, मस्त है यार, नहाने का तो पूरा मन कर रहा है, नहाएंगे ही वो तो, बट पहले तो मंटू नहाएगा, नहा ले मंटू कांप रहा है भाई, बोल रहा है ठंडा है, ठंडा मंटू भाई क्या बोल रहा है, मैं ठंडा लग रहा है भाई ठंडा। तो भाई अभी सोम्या पहले नहा रही है, उसके बाद मैं नहाऊंगा, मंटू नहाएगा, बट मेरे को थोड़ा सा ना ठंड से एलर्जी है, मेरे को थोड़ा सा इचिंग विचिंग होने लगता है, ज्यादा ठंड लगता है तो इसी कारण से। फिर भी देखते हैं यार, पानी तो ठंडा है, हालांकि उतना ठंडा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में है, बट फिर भी ठंड है पानी, बट कोई ना यार एडजस्ट कर लेंगे, भगवान का धाम आए तो नहाना तो पड़ेगा ही, पूजा पाठ तो करना ही पड़ेगा, और इसीलिए आए भी है नहाने के लिए, ये नहीं देखेंगे ठंडा है फिर क्या है, बट नहाएंगे, मंटू तो पहले नहाएगा एकदम भाई, आ गया तो नहाएगा, हम लोग भी नहाएंगे मजे से, दोनों एक साथ नहाएंगे, फिर रील्स कौन बनाएगा भाई, जब दोनों एक साथ नहाएंगे तो हाँ दे देंगे किन्हीं को रील्स बनाने के लिए। हाँ भाई चलो इसको ना दूसरा वाला घाट दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, तब तक सौम्या नहा रही है, तो इधर घाट भी दिखा देंगे और सौम्या नहा भी लेगी उधर,
पहले अपन लोग आते थे ना गर्मी में, तो इधर से ही उस तरफ एक और घाट है वहां पे ही जाते थे, लेकिन वहां पे उस टाइम तो पानी कम था यार, मतलब घुटना से ऊपर नहीं था। बट इस बार ही देखते हैं, शायद पानी ज्यादा हो तो उधर ही नहाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उधर ज्यादा मजा आता है। बट ये भी सही जगह है, बस बहाव थोड़ा तेज है ना इसी कारण से, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो यार, इधर से जाने का है, आ जा इधर से जाएंगे भाई। ये देखो भाई, मेला ही मेला है भाई, मस्त। ऊपर देखो ना भाई, कितना कुआ है भाई, ये मंदिर है भाई। चप्पल पहन के मत जाइयो, उधर मत जा, इधर से आ जा। तो इधर देखो, पिछला बार हम लोग आते थे ना तो उधर ही नहाते थे, वो देखो उधर नहाते थे, बट पानी कम थी उस टाइम, बट अभी पानी का बहाव सही है। उधर नहाने में ना काफी मजा आ जाता है यार, ये देखो उधर नहाने में काफी अच्छा लगता है, बट क्या ही कर सकते यार, उधर ही नहाना पड़ेगा अपने को। तो उधर तो खाली पाँव जा नहीं सकते, चप्पल रखना पड़ेगा। इधर ही थोड़ा सा घुमा देंगे मंटू को और फिर उधर जाके हम लोग नहाएंगे। तो यही कुछ है, इधर पूजा पाठ होता है, नहाओ और पूजा करो, मंदिर बाजू में ही है, और उधर शिवलिंग है, उनको शिवलिंग को पूजा करना पड़ेगा उधर से। हम लोग आज घाट घूम रहे हैं भाई, मतलब कितना सारा अच्छा अच्छा कौन सा घाट है। हालांकि घाट तो सारा अच्छा ही होता है, लेकिन इधर का पानी थोड़ा सा धीमी चल रही है और उधर का बहाव थोड़ा सा ज़्यादा है, इसी कारण से लोग कम बहाव वाले में सोच रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि भाई अपने को स्विमिंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है ना, तो इसीलिए कम बहाव वाले में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन पानी तो एक ही है ना, श्रद्धा बस होनी चाहिए दिल में। तो बस तो आ चुके इधर, देखो भाई क्या ही एरिया, मस्त है यार। लेकिन कुछ ही बोलो यार, इतना फॉग है ना आने में, तो इतना फटी है ना अपनी, बता ही नहीं सकते भाई, बहुत ज़्यादा फॉग थी, बहुत ज़्यादा। आपको बोले थे ना, तकरीबन हमने 1 बजे कार रोकी थी और सुबह को 6:30 बजे फिर वहाँ से निकले हैं। उसके बाद जो स्पीड हम लोग खींचे ना, फॉग बहुत सारा था, बट स्पीड फिर भी निकाल के लेके आए थे हम लोग 60-70-80 का स्पीड, ज़्यादा नहीं। हाँ, पहाड़ उधर ऊपर है, लेकिन चढ़ने में नहीं बनेगा भाई उधर। देखो इधर का धारा बहुत स्लो है, आराम से इधर नहा सकते थे हम लोग, उधर का धारा तेज है। यहाँ पे हालांकि थोड़ा बहुत तेज है, बट उधर देखो बहुत ही स्लो है, साइलेंट है, अच्छा है। पिछला बार आए थे भाई, पानी एकदम घुटना के बल था, बीच में पानी पता है एकदम घुटना में था, सिर्फ पानी सूखा हुआ था, बट अभी तो भर चुके हैं पानी। ये धनुष पुल है, इधर से डायरेक्ट उधर, ये न्यू पुल बनी है, पहले ये पुल नहीं थी, ये धनुष पुल नया पुल बनी है। ऊपर से नीचे से ही सामने चले जाएंगे भाई, और वो देखो वो क्या भागीरथी सेतु, जिधर से हम लोगों ने उधर क्रॉस करा था ना, वो भागीरथी सेतु है, सोतु है या फिर सेतु है भाई, सेतु है। हाँ ये देखो लो, भागीरथी सेतु, गड्ढा 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 गड्ढा। तो भाई मंटू भी नहा रहा था भाई, कत्ते ही बहुत ठंडा पानी है यार, मैं तो डर रहा हूँ, बट फिर भी मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मंटू को कुछ रील्स बनानी थी, वो रील्स बना दिए। फिर उधर पूजा होती है, वो सारी मंदिर श्री लक्ष्मी मंदिर उधर है, तो उधर भी पूजा करने के लिए जाएंगे आप लोग। तो भाई देखो, मैं भी बिल्कुल वैसे ही तैरता हूँ, बट मैं उसके तरह नहीं तैर पाऊंगा, पूरा क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे में उतना कैपेसिटी नहीं है तैर के जाने का, देख रहे हो। पहला भाई कहते मस्त स्विमिंग है यार, उसका थक गया बेचारा भाई। वो साधु बाबा को देखो यार, बहुत देर से वो साधना में लीन है भाई, बहुत टाइम से और इधर देखो शंकर भगवान को अब भी दिखे, थोड़ा बहुत फॉग कम आया ना तो शंकर भगवान भी है। सो फाइनली गाइस, अपन लोग नहा लिए, पूजा पाठ कर लिए, और मेरे को तो थोड़ा सा ठंडा सा एलर्जी है, तो अपने को थोड़ा सा इचिंग हुआ, बट हाँ सही है, फिर भी यार पूजा पाठ कर लिए मस्ती से, एकदम मस्त वाला पूजा पाठ हो गया। मैं मंटू सारा कोई कर लिए पूजा पाठ नहा धो के, और अभी अपन लोग जा रहे हैं होटल में, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर आधे एक घंटे बाद यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि यार फॉग फिर उसके बाद जमने लगेगा ना रोड पे, तो दिखेगा नहीं अपने को, तो इसी कारण से सोच रहे हैं खा पी के आराम से निकलने के लिए सोच रहे हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना, और गाइस एक बार जरूर हरिद्वार आके घूमना सारे लोग। तो बाय बाय, गुड बाय, जय श्री राम गाइस, और ज़रूर आप लोग एक बार आके घूमना यार, ये धाम बहुत अच्छा धाम है, प्लस नहाना जरूर, यहाँ का पानी से ठंडी है लेकिन बहुत अच्छी है। तो बाय बाय, जय श्री राम भाई।